जिस एनजीओ घोटाले में आपके पिताजी का नाम सामने आया है उसकी जांच आपको खुद करनी है। सर वो हमारे पापा हैं, हम सच कह रहे हैं, वो निर्दोष हैं सर। सर उनको गलत तरीका मिस राज, मुझे इस बारे में कुछ कहना सुनना नहीं है। ये एक विभागीय फैसला है और ये आपकी ड्यूटी भी है, इसलिए आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और हाँ एक बात और, जो कार्य आपको दिया गया है उस कार्य को आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगी बस। का? लेकिन ये सब कैसे हुआ भैया? इससे ज्यादा हमको भी कुछ नहीं पता है, बस इतना पता चल पाया है कि पुलिस विद्या चाचा को बाबूजी के एनजीओ में फ्रॉड करने के आरोप में लेकर गई है। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि विद्या चाचा फ्रॉड कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ है। सही कह रहे हैं भैया। भैया हमको कृष्णा से मिलना है, उससे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। रुको बिंदु, इस समय तुम्हारा उसके घर जाना उचित नहीं होगा। वैसे भी अभी वहां पर गवर्नमेंट का इंक्वायरी चल रहा है, कहीं तुम्हारे जाने की वजह से कृष्णा के लिए समस्या ना खड़ा हो जाए। लेकिन भैया हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, हमको कुछ तो करना ही होगा। पिंटू एक काम करो, कृष्णा को फोन करके पता करो कि वहां हालात क्या है। भैया कृष्णा तो फोन ही नहीं उठा रही है। लेकिन भैया कुछ तो करना ही होगा ना, कृष्णा से हमारा मिलना बहुत जरूरी। माँ तुम यहां तब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम्हारा छोटा भाई घर छोड़ के न जाने किसके साथ झगड़ा करके घूम रहा है। तुम्हारे बाबूजी, उनको तो चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं, और तुमको तो कोचिंग सेंटर चलाना है। रह गई माँ, पहले भी अकेली थी पर आज भी। इतना परेशान काहे हो रही हो? घर चलो पिंटू, घर चलो बेटा, हम तुमको लेने आए। लोग तुमको बर्बाद कर देंगे बेटा, और वो लड़की कृष्णा वो तुमको फंसा रही है, हम सब जानते हैं। अरे कौन सा काला जादू किया है वो लड़की ने तुम पर? तुम समझ क्यों नहीं रहे पिंटू, वो तुमको फंसा रही है। हम भी कृष्णा को बहुत मानते थे, लेकिन तुम नहीं जानते वो लड़की अब बदल गई है बेटा। वो जब से अफसर बन गई है ना, तब उसके सर पर घमंड चढ़ गया है, घमंड।
और तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तू बदले की भावना से काम कर रही है, तू तुमको फंसा रही है, फंसा रही है तुमको। माँ आ बैठिए। यहां बैठने नहीं आए। माँ आप गलत समझ रहे। हम सब समझते हैं। अरे कौन सा काला जादू किया है उन लड़की ने तुम पर? दिखाई नहीं देता? हाँ? अरे उसका भाई ने तुम्हारा ही हाल किया है। अरे वो फायदा उठा रही है तुम्हारा। तुम समझ क्यों नहीं रहे पिंटू? वो तुमको फंसा रही है। बस बे। कृष्णा के खिलाफ ये सब आपके मुंह से शोभा नहीं देते। वो लड़की जिसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया, वो खुद अपने पिताजी के खिलाफ जांच करवा रही। एक तो वो लड़की ईमानदारी और सच्चाई का उदाहरण दे रही, आप उसके बारे में काहे गलत बोल रहे? माँ हमको माफ कर दो, लेकिन कृष्णा के खिलाफ हम गलत नहीं सुन सकते। दिनों में कितना बदल गए हो पिंटू जी। पहले तो अपने बाबूजी के साथ झगड़ा करने लग गए और अब अपनी मां पर चिल्लाते हो। सिर्फ लड़की के लिए? मां हमको माफ कर दीजिए कि हम आप पे चिल्लाए। ये मां आप गलत समझ रही हैं। हम कुछ गलत नहीं समझते, लेकिन आपको हमारा बात एक ना एक दिन जरूर समझ में आएगा और तब होश भी आ जाएगा। बात का है, भैया बाहर खड़े हुए हैं और चाची जी को अभी हम गुस्से में बाहर जाते हुए देखा। कुछ हुआ है का? देखो हमसे इस वक्त कुछ मत पूछो। इस वक्त कृष्णा को हमारा जरूरत है और हम वही जा रहे हैं। भैया हमको कृष्णा। जाओ पिंटू, खाली एक बात का ध्यान रखना, कृष्णा के लिए समस्या ना खड़ा। नमस्कार मैडम, चूंकि जांच का इंचार्ज आप, इसलिए कार्रवाई से संबंधित हम सारा पेपर मिथिलेश बाबू को दे दिए। हमको हमारे पापा। हमारा मतलब है हमको श्री विद्यापति राज से मिलना है। जरूर मैडम। अरुण जी साहब, चाबी ले अभी ला दो। मैडम माटी सा मुझको पिसना है क्यों, वही मेरा गहना है क्यों, आंखों की स्याही कहती है क्या, समझे ना कोई दिल की सदा। Oh,
को माफ कर दीजिए। माफी किस बात की बेटा? आज आप जेल में हैं और हम चाहकर भी आपका कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। बेटा आज तुम जो कर रही हो उस पर हमको गर्व है। काहे कि हम तुमको सिर्फ एक अफसर नहीं बनाए बल्कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर बनाए। तो पापा कर्तव्य और सच्चाई का साथ हम दें और कीमत आप चुका, ये कहाँ का न्याय? न्याय का रास्ता हमेशा कठिनाइयों भरा होता है बेटा, और तुम तो हमारी बहादुर बिटिया हो, तुम काहे घबराने लगी? मुसीबतें चाहे जितनी भी हो, जीत हमेशा सच की होती है बेटा। पर आज एक तरफ सच और दूसरा तरफ सलाखों के पीछे हमारे निर्दोष पापा, आज हम बहुत दुखी हैं, खुद को एकदम अकेला महसूस कर रहे हैं। ना तुम अकेली हो ना हम अकेले हैं, हमारे साथ हमारा सच है और तुम्हारे साथ तुम्हारी ईमानदारी। पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बस अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। बेटा अगर इस सबको तुम एक बेटी की तरह देखोगी, एक बाप हट जाएगी, और अगर एक बेटियों की तरह काम करोगी विद्यापति राज जीत जाए, सच्चाई की जीत होगी। हे भगवान, हम जानते हैं कि हमारे पापा निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपका हमको वीडियो इसीलिए बनाए थे कि हम एक दिन मजबूर होकर अपने पापा को इस तरह जेल में पड़ा देखते रहें। भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? भैया पापा अकेले हैं। भैया थोड़ा देर उनके पास रुक जा। भैया भैया रुको, भैया हमारी बात सुनो। भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ चले गए भैया? भैया कहाँ चले गए हमको छोड़ के? हमारा बात सुनो। भैया रुक जाओ, हमारा बात सुनो। भैया रुको, भैया कहाँ जा रहे हो? भैया हम एक साथ दो भूमिका नहीं निभा सकते। भैया हम बेटी नहीं बन सकते। भैया हमको अपना फर्ज निभाना है। कृष्णा हमारी तरफ देखो, कृष्णा
संभालो अपने आप को, हम तुम्हारे साथ हैं कृष्णा। कृष्णा, तुम्हारी ईमानदारी पे हमको गर्व है और तुम जो भी करोगी सही करोगी, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। कृष्णा, हमारी ओर देखो, इस समय तुमको पूरा हिम्मत रखना चाहिए। ये मुश्किल की घड़ी है तुम्हारे लिए, फाइल लाए हैं जी। ई फाइल आपके लिए, इंक्वायरी मीटिंग का इंतजाम बीडी ऑफिस में किया है, वहां सब लोग आएंगे, आपके पिताजी भी। कल सुबह 9 बजे इंक्वायरी का प्रक्रिया प्रारंभ होगा। तुम्हारे पास उनको गिरफ्तार कराने के अलावा और कोई चारा नहीं। विद्यापति राज, गंगादेवी ट्रस्ट में हुए घोटाले के आरोप आपको गिरफ्तार किया जाता है। पूरे समाज को बताना चाहती है कि वीडियो होने के बाद भी अपने बाप को अरेस्ट करा सकती है। देखना माँ, ये काम के लिए सरकार ही को देगी सोने का तमगा, गोल्ड मेडल। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितना कुछ किए, उनके मुंह पे हमेशा प्रार्थना रहता था कि हमारी बेटी अफसर बने। अरे ये दिन दिखाने के लिए तुमको वीडियो बनाए थे। अफसर मैडम, हमको हमारा पति वापस चाहिए, पति वापस चाहिए। आप भी ना समाचार पढ़ने लगते हैं तो कोनो बात का ख्याल ही नहीं रहता। इस घर में समाचार पढ़ने का भी कोई कानून है का? अरे इनके घर में तो कल तलाशी तक हुआ था। हाँ, और आज सुनवाई है, और सुना है उसका इंचार्ज इनका बेटी ही है। अरे जब अपनी बेटी ही वीडियो है तो ऊ का अपने बाप को जेल जाने देगी। जिंदगी के उस चौराहे पर खड़े हैं जहाँ रिश्ता, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ दांव पर है। वहाँ हमको आशीर्वाद दो कि निष्ठा से हम हर कर्तव्य का पालन कर सकें।